आगे बढ़ो ना बल्दी, जो बदमाशी करता है उसको अरेस्ट करो, पकड़ो उसको। है लड़की लोग सर, क्या नोटिस आ सकती है क्या? कोई नोटिस ना, शांत स्वभाव के क्यों ना हो ये धरती पर, ये जेठ बड़ी इसकी एग्जाम दे दिया ना। ये देखिए किस तरीके से, ये आप देख रहे हैं कि मजिस्ट्रेट साहब ने अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं कि आप अभ्यर्थियों को अरेस्ट कर रहे हैं, और ऐसे में आप देख रहे हैं कि अंदर से ये कोई गाड़ी निकल रही है, और मजिस्ट्रेट साहब का ये ऑर्डर है कि यहाँ पर से लोगों को हटाया जाए। और ये आपको साफ तौर से नज़र आ रहा होगा कि एक तरफ जहाँ पुलिस वाले भी अभ्यर्थियों से बात कर रहे थे, और अब मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है कि यहाँ से अभ्यर्थियों को हटा दिया जाए। ये अभ्यर्थी यहाँ जुटे हैं, अपनी मांगों को लेकर अपनी बातें रख रहे हैं, और ऐसे में क्या चाहते हैं आप लोग? सर बाप मतारी पूछता है तो जवाब नहीं दे पाते हैं। सुनो, पुलिस और मजिस्ट्रेट आपका दुश्मन नहीं है, मेरा काम नहीं है, और तो मेरा काम है ही। आप आशीर्वाद दीजिए, आप यहाँ हर लोग भले सुन लीजिए, भले सुन लीजिए, आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि इन लोगों की जो भी मांग जिस तरह की है, हम बिल्कुल इनसे किसी तरह की बात नहीं करेंगे। क्या मांग है? पहले रुकिए ना भाई, क्या मांग आप जानते ना है? तू पहले सुन लो, हम आयोग के प्रवक्ता नहीं है, बार बार बोल रहे हैं, हमारा काम लॉ एंड ऑर्डर को देखना है। अब रहा लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, धरना स्थल गर्दनी बाग है, अनुमति लो कंट्रोल रूम से, डीएम कंट्रोल रूम से, और वहाँ धरना दो। ये ऑफिस पर धरना आप नहीं दे सकते हैं। ये काम सुनो, पहले सुनो, पांच आदमी से ज्यादा हुजूम लगाना अपने आप में गलत है। आयोग जवाब दे रहा है, आदमी नहीं हूँ, 100 बार बोल चुका हूँ। चेयरमैन साहब से मिले हैं? आयोग ने साफ तौर पर बोल दिया है, किसी भी प्रदर्शनकारी से ना मिलेंगे ना बात करेंगे। वो कुछ नहीं, वो अध्यक्ष जवाब देंगे। हम तो यही एक्शन लेंगे कि ये धरना स्थल नहीं है, ये यातायात के लिए रोड बनी है, ये कार्यालय आयोग चलाने के लिए बना है, नहीं हटेंगे तो इनको कानून हटा देगा। तो जब ये लोग आते हैं बीएसएससी कार्यालय अपने काम पर, वो नहीं ना मिलेंगे। हटा दे, एक बात, 8 साल का समय बेटा, हट जाओ, प्यार से समझाएंगे, हट जाओ। अगर तुमको धरना ही देना है, जाके गर्दनी बाग धरना दे दो, वहाँ